स्टूडेंट्स आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत ही मन लगा के आप इसको पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और काफी न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जाते हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में भी, साथ साथ जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के एग्जाम्स में भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, वहां से शुरू करेंगे, बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत ही एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है उसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड जो है वो बना हुआ है दो वर्ड से, एक इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। यहां जो इलेक्ट्रो वर्ड है उसका मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो ये ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब चार्ज एट रेस्ट कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग इन्हीं चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ कभी कभी थोड़ा बहुत ट्रांजिशन फेज में चार्ज का मोशन हो सकता है, लेकिन चार्ज का जब भी मोशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत स्लो होगा और एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए होगा, बाद में फिर चार्ज को रेस्ट में आना ही होगा। हम लोग देखेंगे कि कहीं कहीं चार्ज हल्का मोशन में आएगा और फिर वो रेस्ट में आ जाएगा। हालांकि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे तो हम लोग शुरुआत का जब चार्ज रेस्ट में था उसी समय के बारे में पढ़ेंगे और जब फाइनली चार्ज रेस्ट में आ जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। बीच में वो अगर थोड़ा बहुत मोशन करता है उसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत चार्ज का मोशन हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हम लोग क्योंकि चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन मन में क्या आता है कि चार्ज है क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डिफिकल्ट टू आंसर है। क्यों? चार्ज बिल्कुल मास की तरह बहुत मुश्किल है डिफाइन करना। चार्ज के इफेक्ट को हम देख सकते हैं लेकिन चार्ज एक्चुअली में क्या है ये मुश्किल है थोड़ा डिफाइन करना। उसी तरह से मास के इफेक्ट को हम देखते हैं लेकिन मास एक्चुअली क्या है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है डिफाइन करना। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सही सही चार्ज के ऑलमोस्ट उसके बहुत क्लोज डेफिनेशन तक पहुंच पाए। तो क्या है इसके डेफिनेशन को हम लोग बेसिकली इसके इफेक्ट के रूप में ही पहचानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वो मैटर का वो प्रॉपर्टी है जो उसका इंट्रिंसिक है, खुद का अपना प्रॉपर्टी है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि चार्ज को एक्वायर कर सकता है लेकिन जब वो एक्वायर कर लेता है कोई बॉडी तो वो उसका अपना प्रॉपर्टी हो जाता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाता है, बिल्कुल मास की तरह। मास भी किसी बॉडी का क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच द चार्ज शोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज जिस अपने जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ये कहें कि कोई मैटर अपने जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करे या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करे या दोनों शो करे, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चार्ज। मैटर का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैटर क्या शो करता है, बोलो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या बोलो मैग्नेटिक इफेक्ट, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से चार्ज इलेक्ट्रिकल या कोई मैटर इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब एग्जांपल सोचिए कि भाई आप बोल तो रहे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल है, आपने सुना होगा लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सुना है। तो यहां आप देख सकते हैं दो चार्ज हमने रखा है, दो चार्ज अगर रेस्ट में रखा रहे और वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करे या अट्रैक्ट करे डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के नेचर का चार्ज वहां पे रखा हुआ है, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहते हैं, ठीक। यही चार्ज अगर मोशन में आ जाता है तो किसी मैग्नेट के प्रेजेंस में अट्रैक्ट या रिपेल हो सकता है
और इस इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो पहला डायग्राम मैंने बनाया हुआ है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को बताता है भाई, और दूसरा डायग्राम जो मैंने बताया है वो क्या है, बोलो, मैग्नेटिक इफेक्ट को बताता है भाई। इसके अलावा एक और इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है चार्ज, और वो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर सकता है। कैसे? तो अगर चार्ज मोशन में हो और साथ ही साथ एक्सिलरेट करे तो वो रेडिएशन एमिट करता है। आपने क्लास 9 में रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशंस में ऐसा पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो पक्का है कि वो रेडिएशंस एमिट करेगा, ये हम लोग जानते हैं। तो वो रेडिएशंस एमिट करता है, ये लिमिटेशन था रदरफोर्ड मॉडल का। बाद में बोर ने अपना मॉडल देके उसको ठीक किया, तो वो तो अलग बात है, ये आप पढ़ भी चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th के केमिस्ट्री चैप्टर में। लेकिन हम लोगों को वहां से जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि क्योंकि वहां चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी होगा तो एक्सिलरेट करेगा, तो क्योंकि वहां चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रहा है। तो ये तीसरा इफेक्ट चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसका नाम अलग से यहां इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का ही एक हिस्सा है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी है उसमें और मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। इसके बारे में डिटेल्स पूरा हम लोग का एनसीईआरटी पार्ट 1 यही तीन चीज के इफेक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडी है, बहुत डिटेल में सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इंट्रोडक्शन में मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि ये तीन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, कौन? चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं, चार्ज के कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं। चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकता है या फिर चार्ज एक्वायर किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की कल्पना ही नहीं आप कर सकते बिना चार्ज के, तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बिल्कुल उसी तरह से प्रोटॉन का भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या, बोलो, चार्ज है। प्रोटॉन का भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फंडामेंटली वो प्रेजेंट है, लेकिन एटम है, एटम में ओवरऑल जीरो चार्ज होता है कि नहीं, तो वो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं। आयंस जो है, आयंस वो चार्ज एक्वायर करते हैं, जैसे कैटायन का फॉर्मेशन होता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके होता है या इलेक्ट्रॉन गेन करके होता है। तो ये जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसके पास आता है, फंडामेंटली वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास रहता है, लेकिन ये एक्वायर भी किया जा सकता है। क्या? चार्ज। चार्ज एक्वायर कौन कर सकता है, जैसे आयंस का फॉर्मेशन होता है वहां पे चार्ज एक्वायर किया जा सकता है, किसी और बॉडी को चार्ज कर सकते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग आगे पढ़ेंगे। कोई बॉडी को रब करके हम चार्ज कर सकते हैं, किसी बॉडी को कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, किसी बॉडी को इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। तो ये सब मेथड्स क्या है कि कोई बॉडी चार्ज एक्वायर कर सकता है, ठीक, लेकिन फंडामेंटली वो प्रेजेंट किस किस में होता है, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अच्छा, ये चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज है तो क्वांटिटी, कोई चीज तो वो मेजर कर रहा है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि ये ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। दो तरह के चार्ज होते हैं, आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में इस चीज को पढ़ेंगे। ऐसा यूनिट क्या होगा चार्ज का, तो कूलम। ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम। इसमें हम लोग इसको मेजर करेंगे, कूलम एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ही ऐसा यूनिट रखा गया है चार्ज का। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है चार्ज के बारे में, मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है चार्ज का डायमेंशन। चार्ज का डायमेंशन क्या है, बोलो, ए टी। ए क्या है भाई, ये नया डायमेंशन आया भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ही एंटर करते हैं, वैसे ही एक नया डायमेंशन आ जाता है ए। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, और फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, और फंडामेंटल यूनिट्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स आप जानते हैं, बेस यूनिट्स जिनको कहते हैं, उसमें आप जब तक मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं वहां पे रहता है एम, वहां रहता है एल, वहां रहता है टी। जब थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं तो वहां केल्विन भी एंटर कर जाता है, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं तो वहां पे एम्पियर ये एंटर करता है। थर्मोडायनेमिक्स में मोल भी एंटर करता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ध्यान रखना एम्पियर एंटर करता है। करंट इज अ फंडामेंटल
यूनिट या बेस यूनिट है और उसके टर्म्स में कूलम को लिखते हैं। आपको मालूम है क्लास टेंथ में आपने पढ़ा है कि करंट आई जो होता है वो क्यू बाई टी होता है और इसकी वजह से हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। आई का डायमेंशन एम्पियर हो गया, ए हो गया, और टी का डायमेंशन कैपिटल टी होता है, ये हम लोग जानते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई किया, बॉक्स में रखा और हम लोगों को मिल गया क्या, चार्ज का डायमेंशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, चार्ज का इंट्रोडक्शन था, इसको पहले कॉपी करी फिर आगे बढ़िए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ज। थोड़ी बहुत चर्चा हमने की है कि कितने तरह के चार्ज होते हैं। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। कन्वेंशन से हम लोग जो प्रोटॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज वो पॉजिटिव लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्या लेते हैं बोलो, नेगेटिव। हम लोग प्रोटॉन को ऐसे दिखाते हैं कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं। आप सोचिए क्या हम लोग बहुत बढ़िया माइक्रोस्कोप इन्वेंट कर लें और खूब मैग्नीफाई करते जाए प्रोटॉन देख लें तो क्या उसमें ऐसे प्लस लिखा हुआ दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा भाई। और इलेक्ट्रॉन पे माइनस लिखा हुआ दिखेगा? नहीं। ये हमारा कन्वेंशन है, हमने ऐसा बना दिया कि अच्छा चलो दो तरह का चार्ज है, ये बात हमको पक्का पता चल गया, तो एक का नाम रख दिया पॉजिटिव और दूसरे का नाम रख दिया नेगेटिव। हमारा मन करता है इलेक्ट्रॉन पे रख देते पॉजिटिव और प्रोटॉन पे रख देते नेगेटिव, तो उल्टा चलता, उल्टा पढ़ते, है ना। तो शुरुआत में साइंटिस्ट लोगों ने जो डिस्कवरी की उसी समय उन्होंने कन्वेंशन बना लिया और बाय कन्वेंशन प्रोटॉन को दे दिया कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को दे दिया कैसा चार्ज बोलो, नेगेटिव चार्ज। और उसी समय से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गए दो तरह के चार्ज। अब ये चार्ज जो है वो किस तरह के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, पूछा जाएगा आपसे कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिखिए। चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उन्हीं को लिखना रहता है, उन्हीं को आप लिखिएगा और वही चार्ज चार प्रॉपर्टीज में बताने जा रहा हूं। पहला प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये थ्योरम कहा जाता है, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ कहा जाता है, और वो आपने सुना भी होगा, पहले पढ़ा भी होगा और ये जानते भी होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। एक तरह के चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं और दो अलग अलग तरह के जो चार्ज है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, बताओ क्या करेगा, दोनों लाइक है, एक जैसा है, और लाइक कैसा करता, क्या करता बोलो, रिपेल करता है, ये रिपेल करेगा। अच्छा अगर दो नेगेटिव रख दे तो क्या होगा भाई, ये भी रिपेल करेगा, धक्का देगा दोनों एक दूसरे को, भागो 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 भागो, यहां से भागो यहां से भागो। और अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले ली और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया तो क्या होगा बताओ, तब तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्यार होगा इनमें, समझ रहे हो, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन। एक जैसे चार्ज है तो दुश्मनी और अलग अलग तरह के चार्ज है तो प्यार। ये है पहला लॉ। दूसरे लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा लॉ कहता है एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी, समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं चार्ज स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, अलजेब्रिक मेथड जो हम लोग क्लास टेंथ तक पढ़ते आ रहे हैं, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, यही चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे और इसी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही आसान है, चार्ज क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसको हम लोग एलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। चार्ज बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड एलजेब्रिकली, इसको हम लोग एलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी एक बॉक्स में 7 कूलम चार्ज रखा हुआ है, उसी बॉक्स में बगल में -2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो टोटल चार्ज उसका 5 कूलम आ जाएगा। 7 कूलम और -2 को ऐड करते हैं तो 5 आता है। ये अलजेब्रिक एडिशन है, इसमें हम लोग को डायरेक्शन से वेक्टर से कोई मतलब नहीं है, यही बात को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है बस, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, बहुत आसान चीज है कि वही चार्ज क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसको हम लोग आसानी से अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना तो बाहर से चार्ज आ रहा हो और जिससे ना चार्ज बाहर जा रहा हो, ऐसा सिस्टम अगर अपने पास है तो उस सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा। अगर मान लो कि शुरुआत में हमारे किसी सिस्टम में Q1 और Q2 चार्ज था तो टोटल चार्ज कितना हो गया बोलो, Q1 प्लस Q2 एल्जेब्रिक मेथड से ऐड कर दिए, और मान लो आपस में उन्होंने कुछ चार्ज एक्सचेंज कर लिया, तो चार्ज अगर आपस में एक्सचेंज कर लिया क्या होगा, फाइनली ये चार्ज बदल के Q1 डैश बन जाएगा, ये चार्ज बदल के Q2 डैश बन जाएगा, इंडिविजुअल चार्जेस में बदलाव आया लेकिन सम चेंज नहीं करेगा, टोटल चार्ज सेम रहेगा। इसी को हम लोग Q1 डैश और Q2 डैश से डिनोट कर रहे हैं। इस तरह से ये लाइन, ये जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया किस चीज का, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। यहां पर देखिए ये एग्जांपल आप सोच सकते हैं, दो लोग हैं उनके पास, किसी के पास मान लो 100 रुपए है, किसी के पास मान लो 50 रुपए है, तो दोनों के पास मिला के कितने हैं, 150। मान लो आपस में उन्होंने कुछ एक्सचेंज किया, इस जिसके पास 100 था उसने 20 रुपए दे दिए दूसरे को, तो अब उसके पास कितने बच गए, 80, दूसरे के पास कितने बच गए, 70। लेकिन अभी भी अब दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 150। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मनी है, बाहर से ना तो पैसा आया ना यहां से बाहर पैसा गया, आपस में अगर एक्सचेंज हुआ तो टोटल पैसा सेम रहा। बिल्कुल वही चीज है यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना बाहर से चार्ज आया ना यहां से चार्ज बाहर गया, तो टोटल चार्ज उस सिस्टम का क्या रहेगा बोलो, सेम रहेगा। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, हम लोग आगे भी इसको पढ़ेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बोलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटम क्या होता है समझिएगा, कि अगर हम बात करें अपने बॉडी में, हमारे बॉडी में सेल्स है कि नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में सेल है, लेकिन जो भी होगा ऐसा नहीं हो सकता है कि 1,00,005 सेल हो, आधा सेल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी सेल होगा वो कैसा होगा, इंटेग्रल सेल होगा, मतलब 1,00,000 होगा या 2,00,000 होगा, 1,01,000 होगा, 1,02,000 होगा, 1,03,000 होगा, लेकिन 1,02,500 ऐसा नंबर ऑफ सेल नहीं हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट करता है फंडामेंटली किसमें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, और एक्वायर कोई बॉडी कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज एक्वायर हो सकता है, तो सोचिए या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, होगा कि नहीं। तो इसका मतलब किसी बॉडी के पास या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा या तो तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। लेकिन जब भी होगा इंटेग्रल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट्स एज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहां इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात कह सकते हैं या चार्ज ऑन प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल ही है और बस एक नेचर में पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। और इसीलिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ है, क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू एन ई, जहां ई ना सुविधा के लिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज, और एन को आप पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि एन को हम इंटीजर कह रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल कह रहे हैं, तो ई को हमेशा कन्वेंशन से पॉजिटिव रखेंगे, और एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, उसके हिसाब से क्यू पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है या नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। तो यहां पे ये क्यू तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये एन क्या हो, इंटीजर हो, यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जब भी आपसे एग्जाम में टेस्ट में पूछा जाए राइट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये चार प्रॉपर्टीज लिखिए, मैथमेटिकली लिख दीजिए सारे एक्सप्रेशंस, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जल्दी से इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे।